लिटिल लिटिल काजल स्टार। यस, क्या करने आते हो तुम लोग कॉलेज, ये बताइए। क्यों, क्या करने आते हो कॉलेज, आज तो ड्रेस नहीं पहनी है, क्या करने आती है बताओ। अरे बोल ना। कॉलेज में पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ बकचोदी किया जा रहा है गाइस, क्या करें अब। नारायण जी कुछ दो शब्द बोल दिए। यहाँ जो है ये कॉलेज के बच्चे लोग आ जाते हैं ऐसे फालतू में बकचोदी करने। अच्छा, और इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने माँ बाप को चूतिया बना के आ जाते हैं। लौड़ा सिंह लड़ा कड़ा, मुझे अंबानी मेरे लौड़े पे रहता है, बट यहाँ आज पहली बार यहाँ आ गया, यहाँ आ गया पहली बार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग फिर भी आ रहा है 10 दिन बाद। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज बाबा के साथ में, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं कॉलेज की ओर। ये है रहा बाबा, बाबा का घर ये है। मैं आया था बाबा के घर में सुबह ही से, तो अब चलें बाबा। अब गाइस निकलते हैं कॉलेज, दिखाते हैं हम आपको आज का कॉलेज का माहौल दिखाते हैं, ठीक है। वो तो कल भी आया था बट ब्लॉग नहीं बना पाया था एक्चुअली बहुत कुछ रीजन की वजह से, ओके। बट आज जो है, और मैंने अभी इधर आकर गाड़ी धुल ली है, मेरा देखो क्या दिख रहा है गाइस, एक नंबर नीम चकार से ये देखो। चलो तो अब बाबा राइड करते हैं, मैं बनाऊंगा पीछे पीछे से ब्लॉग। तो फाइनली अभी जो है ये देख सकते हो, ऐसे ऐसे रास्तों से निकल गए हम ले कॉलेज के लिए। ऐसा है ये बाबा का मोहल्ला है पूरा, ये देख सकते हो इधर से। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी गाइस, तो इसके लिए सॉरी, बाकी आप देख सकते हैं। चलो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये मेन रोड है, इधर बाबा के मोहल्ला के साइड से निकलती है, ये पास ही में है। बाकी हम लोग जो है पूरा मोहल्ला घूम के आए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ये पहुंच गए हम लोग अब सीधे NX 30 में। कॉलेज वाला कोई फ्रेंड दो लोग दिख चुके हैं लगता है। बस ये ऑटो वैन का लौड़ा क्यों रोकते हैं यार बार बार। अरे बाबा, बहुत दिन बाद चला गया, हमारी हाँ। गाड़ी निकली नहीं है। ये रहा हमारा कॉलेज, पहुंच गए हम लोग, ये पहुंच गए। अब सीधा अंदर घुसते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ सब अपने माँ बाप को चूतिया बना के बहन चोद आ जाते हैं फोकट में 40-50 रुपये अपना किराया खर्च करके, ठीक है। यहाँ आकर कुछ नहीं करते भी ये लोग। ये रहा हमारा कॉलेज, अब यहाँ क्या क्या करते हैं दिखाते हैं माँ को, ओके। चलो अब गाइस अंदर घुसते हैं, चलो अब अंदर घुसते हैं, अंदर का माहौल दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में आखिरी तक, थोड़ा स्लो स्लो बोलना पड़ रहा है गाइस। पैर तो पल्ले बाबा, पैर पल्ले, पैर छूले, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से हो रहा है कॉलेज में हम लोग एंटर। ये गाइस हमारा बाथरूम, और यहाँ देखो क्या बकचोदी करेंगे लड़के लोग। यहाँ कोई अपना बाथरूम नहीं दिखाता बट हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे जो है हरकतें करते हैं ना, इनको नहीं करना चाहिए। हम तो बताते हैं गाइस, लेकिन ये लोग क्या है कि मानते च नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यू कॉलेज, जंग वंग लग गया हमारे कॉलेज में पूरा, बहुत पूरा खत्म। इधर खिड़की उड़की पूरे जंग खा गए, पूरा खत्म गाइस ये वाली कॉलेज। तो अब जाएंगे ये न्यू वाली कॉलेज में, बस कुछ दिन बाद चालू होने वाला है ये कॉलेज। 2025 में इसका उद्घाटन हो जाएगा, और 2000 न्यू ईयर के दिन ही 2025 से क्या है यहाँ पे क्लासेस लगना चालू हो जाएगा। ये हमारा न्यू कॉलेज गाइस, जैसा देख सकते हैं मस्त शानदार एकदम झकास बना है हमारा न्यू कॉलेज। पिछली वाली ब्लॉग देखना आप लोग, फिर इसमें पता चल जाएगा। ये अंदर घुस के दिखाएं, ऊपर दिखाएं पूरा, ठीक है। हमारा किशन जो कि पूरा दाढ़ी मूंछ फोड़ लिया है गाइस, पूरा मीठा जैसा यार, बोल दे स्वीट आता है, मजा आता है, ऐसे मजा आता है। अच्छा अच्छा, ये है बाबा अपना नितेश खिलाड़ी का। हाय गाइस, हां आई एम लौड़ा सिंह लड़ा कड़ा, हां हो गया। अच्छा अच्छा, और नाचा की कर देते हैं।
इधर जो है फर्स्ट ईयर वालों का रेटिंग चल रहा है। ये छोटू खान का ये हमारा गैंगस्टर, ये हमारे गैंगस्टर साहब गैंगस्टर मुझे अंबानी मेरे लौड़े पे रहता है, बट यहाँ आज पहली बार यहाँ आ गया, ग्राउंड पे आ गया पहली बार, गाड़ मरा नहीं किया है यार ग्राउंड में, लौड़ा भी लोग स्टोरी नहीं डाले फोटो डाल दे अबे डाल, फॉलो कर फॉलो अल्लाह पहले फॉलो कर। ये देखो इधर पे ऐसे माँ चुदा नहीं आ जाते हैं ये लोग अपने माँ बाप को चूतिया बना के, ये इधर बैठे हैं देखो पूरे ये पूरे कॉलेज भर में देखो ऐसे घूम रहे हैं ये लोग, ऐसा हाल है हमारे कॉलेज का गाइस, ये इधर भी देखो सब बैठे हैं यहाँ, क्लास में तो कोई दिखेगा ही नहीं लेकिन यहाँ इधर दिख जाएंगे आपको, अब कौन दिखेंगे भाई अब कौन, कुछ बोलना चाहोगे सर? हम घंटे कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो यही बोलेंगे अभी हो गया ना हमारा साइन, इसको बनाओ गैंगस्टर वाला, ये साइन करो आराम से, नहीं गाना गा दूंगा साइन करो उसको, कागज है अरे माधव तो अरे नाम क्या ले लो पंद्रह ऋतु जीरो सेवन या क्या आया नितेश तिवारी तिवारी बन गया अच्छा जो बोले अच्छा जो बोले नितेश तिवारी जल्दी मारो हो गया ये भी देखा आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी सम लाल झाटक क्यों अजल समथिंग टेल मी अबाउट बोलिए तो लोकल काजल स्टार यस क्या करने आते हो तुम लोग कॉलेज ये बताइए क्यों क्या करने आते हो कॉलेज आज तो ड्रेस भी नहीं पहनी है तुम क्या करना आती है बता अरे बोलना हेल्प करने आते गमछा पकड़ने पकड़ने गमछा पकड़ते ना चाहोगे सर बस थोड़ा मूड अच्छा है तो हैप्पी है अभी अभी हैप्पी हो ये देख रहे हो ये है हमारा कॉलेज ऐसा हाल है यहाँ पे यहाँ पे कुछ समय पहले पानी नहीं था बट अभी पानी आ गया है बाबा पी रहे हैं ये देखो नितेश सर कुछ बोलिए क्या वो वॉलीबॉल के बारे में बोल दीजिए वॉलीबॉल के बारे में बोलूंगा हाँ थोड़ा जोर से आके मेरे में बैठ गया इधर इधर भी देख हाँ यही चाहता हूँ ओके उससे अच्छा गेम बन जाएगा रुक जा रुक जा रुक जा उससे अच्छा गेम बन जाएगा यहाँ आके बैठ जाओ मैंने वो तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो बैठे हैं अभी कॉलेज के ग्राउंड में हमारे ये हमारा कॉलेज है बहुत दूर है गांव पड़ जाएगा जुम करते करते देख सकते हैं ज्यादा जुम नहीं कर सकते गांव पड़ जाएगा तो गाइस ये है हमारे नारायण ब्लॉगर साथ में हमारे जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये पानी जो अभी हम पिए हैं अभी मस्त एकदम ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी थोड़ा धूप में रख रखा गर्म हो गया है क्या करेंगे लेकिन पी लेते हैं तो गाइस हमारे इधर जो है अभी कुछ गुप्तगू होने का बाहर से आए हैं ये नितेश मरावी जो है देख सकते खिलाड़ी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बहुत दूर से सफर 5 दिन से सफर कर रहे हैं गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं नशे नशे में इधर भी एक ब्लॉग बनना चाहिए गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इधर खाली एक घर बोलना तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ने लिखने इधर ब्लॉग बना तो गाइस लाइक करें फॉलो करें जय बाबा की जैसा कि आप देख सकते हैं नितेश का जो है खड़े हो चुका है गाइस जो कोई भी जा रहा है इधर गाइस जैसा कि खड़े हो चुका है जा रहे हैं गाइस जैसा कि देख सकते हैं सीधे ही डालेंगे गाइस क्या ही बताएं गाइस तो गाइस क्या ही बताएं इधर कॉलेज में पढ़ने लिखने की उम्र में यहाँ बकचोदी किया जा रहा है गाइस क्या करें अब नारायण जी कुछ दो शब्द बोल दिए यहाँ जो है ये कॉलेज के बच्चे लोग आ जाते हैं ऐसे फालतू में बकचोदी करने और इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है अपने माँ बाप को चूतिया बना के आ जाते हैं इधर देखो ना इधर सब बैठे हैं इधर सब फालतू के कोई मतलब नहीं अरे कहाँ जाओ तुमको नहीं बोले तुम शांत शांत रहना अरे ये फालतू में बैठे हैं गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अगर गाइस फालतू में आके बैठते हैं कॉलेज वॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होता गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब हम ही लोग यहां अरे तो तुमको थोड़ी ना बोल रहे हैं तो बाकी सबको बोल रहे हैं देख रहे हैं गाइस शर्मिंदगी महसूस करते हुए जाने लगे गाइस जूम करके दिखाते हैं गाइस देख सकते हैं आप सभी
तो नारायण ऐसे 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 रुक जाओ, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे बच्चों के लिए जो है हम ग्लेशियर बचा रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं, वो बचाना फालतू बेकार है। तो हम चलते हैं कहीं और। ओके बाय गाइस, चलो चलते हैं। अभी हम जस्ट कॉलेज से आकर के अभी ये जो है बावा की छत में है, ये देख सकते हो इसके मोहल्ला। ये बावा लगाया है यहाँ पे धनिया, ये क्या है भाई, ये मीठा नीम बोलते हैं इसको, और ये तो कुछ हल्दी का पेड़ है, एलोवेरा है, अभी छोटे से बच्चा है, इसमें पता नहीं क्या है, ये क्या पत्थर चट्टा, और फिर ये नहीं जानते हम, ये भी है, और ये देखो बस इतना ही है, और ये दिखाता हूँ, ये कुम्भड़ा। तो गाइस अभी जो है हम लोग जो है कॉलेज में ऐसे ही, अभी टाइम कितना हो गया, दो नहीं मतलब तीन चार तो ऐसे ही कुछ बज ही गया होगा, दो ढाई बज गया। तो हम लोग जो है गए थे कॉलेज, बट वहाँ कुछ नहीं हुआ, हम लोग का काम जो है गाइस क्या बताएं, ऐसे ही घूमते रहते हैं हम लोग, घूमते रहते नहीं मतलब जो कॉलेज में तो हम जाते हैं काम के, मतलब पढ़ाई लिखाई जो कुछ हो करके, बट वहाँ कुछ भी नहीं होता ऐसा कुछ है। और वहाँ जाते हैं तो हमारा जो है मन ऐसे इधर उधर बहकने लगता है, दोस्त मिल जाते हैं तो हमको ओनली इन्जॉय कर रहता है, ठीक है इन्जॉय करो घूमो फिरो इधर पे, बाकी पढ़ना लिखना तो कोई है च नहीं। और हम लोग तो बता दें कि बिना पढ़े लिखे ही पास हो जाते हैं। ओह सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही अंदर जा रहा था इसके लिए, कहे बाबा अपन बिना पढ़े लिखे सीसी भी नहीं दिए हैं, बिना पढ़े पास होने का टैलेंट इतना भराया पड़ा है गाइस, अंदर कूट कूट के भरा है, बिना पढ़े पास होना हमसे संपर्क करें। हाँ एक बार तो कांटेक्ट कर लेना, अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो, अगर कॉलेज से देख रहे हो हमारे ब्लॉग को तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, पास कैसे होते हैं ठीक है। तो हम लोग ट्रिक्स यस आज गए थे हम लोग की, हमारा कुछ सीसीवीसी का प्लान था, मतलब सीसी असाइनमेंट जो कॉलेज में ही होना था, बट वहाँ कुछ रीजन की वजह से नहीं करवाए, तो उसको आज तो क्या हो गया, आज वेडनेसडे मतलब आज बुधवार है, और हमको मंडे को बुलाए हैं ठीक है, मंडे को बुलाए हैं, तो मंडे को देखते हैं फिर होता है नहीं होता है, नहीं तो फालतू का पेट्रोल वेट्रोल खर्चा ऐसे वैसे कुछ भी हो ही जाता है। तो ये है गाइस हमारा कॉलेज का जर्नी, और इस साल तो हम देखते ही देखते तीन साल ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला क्या क्या हुआ, हमारी लाइफ भी झंड होते जा रहा है धीरे धीरे। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ काम धाम ढूंढें अच्छा सा, उसके बाद पैसा वैसा कमाएंगे, अच्छी मोटी चेन मोटा पैसा ऐसे तो नहीं करेंगे, बाकी ये है कि जरूरी के लिए भी पैसा जरूरी है, अभी हमारे जेब में 10 रुपया भी नहीं है बहन से, क्या बताएं है बाबा तेरे जेब में, बताए खाने के लिए हम इतना तड़प गए हैं, क्या पता अच्छी दबाना पड़ रहा है, क्या बताएं, कोई 10 रुपये हम भीख मांग के भी देखें तो कोई 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास अभी 10 रुपये भी नहीं है, कॉलेज जाते हैं गाना गाते हैं, क्या करेंगे गाइस, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा तो बहुत आता है कॉलेज में लेकिन ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा है गाइस। ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है तो पैसा ज़रूरी होना चाहिए अपना, मतलब पैसा अपने पास होना ही चाहिए, सब कुछ कर सकते हो बट अपने पास अगर पैसा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पैसा कमाओ ठीक है, पैसा से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, कहीं भी जा सकते हैं घूम सकते हैं मतलब अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बट हम क्या करें यार गरीब लोग, सबसे ज़्यादा बोले गरीब तो कॉलेज में हमसे ज़्यादा गरीब कोई है च नहीं, ऐसा है, पता नहीं कब तक देखने को मिलेगा और ये गरीबी, देखते हैं जैसा भी है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो अच्छा रहेगा और नहीं दिए तो फिर समझ लो, बाकी किस्मत किस्मत तो कुछ होता नहीं, अपनी खुद की मेहनत के ऊपर रहता है। तो गाइस अब जो है बहुत टाइम हो गया तो अपने को जाना पड़ेगा अभी घर, घर जाता हूँ, मेरे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है इसीलिए पेट्रोल के लिए गया है, अब देखते हैं, वो भी पेट्रोल वेट्रोल भी सब उधारी से होता है गाइस, हमारा बहुत ज़्यादा गरीबी है, गरीबी में जी रहे हैं से बहुत, और हाँ ये सिचुएशन जो है आप सभी मतलब आप किसी के साथ ऐसा ना ही हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम जो परिस्थिति स्थिति से ऐसे, हाँ एक बात तो बता दूं कि ये जो है ना पीपल का पेड़ ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको, और ऐसे ऐसे वहाँ से कनेक्शन है, वो बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है, ये देख सकते हो इधर पे, ये जो है इनको धान काट के रखे हैं ऐसे, ये है सागौन का पेड़ और इधर पे तो पूरा कट चुका है,
इधर से वो है रोड, मतलब पास ही में ही है, और उधर दिखा दूं कि एक बस है, वो बस खड़ी है गाइस, देखो ये न्यू स्टार नया है। जिसको भोपाल जाना है गाइस, यहाँ से आके मेरे घर के पास से आके बैठ सकते हैं। हाँ। भोपाल से सीधे बिच्चा से डायरेक्ट भोपाल। हाँ हाँ, तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ घर के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम भी हो गया, देखो ना पूरा दिन वो उधर पे है, 2-3 ऐसे ही बज चुके हैं, तो मेरे को जल्दी घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी हम लोग जो ऐसे हैं, हमको घर में भी काम करना पड़ता है, ऐसे कॉलेज भी आते हैं, सब चीज़ मतलब एक साथ हमको करना ही पड़ता है, घर वाले बोलते हैं वो सब चीज़ को करने का, अगर नहीं करे तो फिर भाई समझ लो कैंसल है, जिंदगी बेकार। तो चलो चलते हैं अब घर, बहुत टाइम हो गया। ओके,